सो हे गाइस, शिवजी पटेल आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो गाइस होप गाइस आप सभी को 0.18.0 का जो आप सबको अपडेट रिसीव हो गया होगा। गाइस मुझे काफ़ी लेट रिसीव हुआ यार, अभी 10 मिनट पहले ही, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। पता नहीं अपडेट मुझे इतना लेट क्यों मिला, तो मिल गया यार फाइनली। तो मैंने अपडेट कर लिया गाइस, और आप होप आप सभी को भी मिल गया होगा, आप सभी ने अपडेट कर लिया गाइस। तो गाइस 0.18.0 के अपडेट में गाइस एक नया ट्रेनिंग ग्राउंड मतलब ऐड हुआ है चेयर पार्क के नाम से, जहाँ पे गाइस आप लोग अपने टीममेट को लेकर मतलब अपने पूरे स्क्वाड मेंबर को लेकर जाकर इसमें ट्रेनिंग कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, अपनी बंदी को ले जाकर एंजॉय कर जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा, इसके अंदर आपको क्या क्या जो फीचर्स मिलते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और गाइस इसी के अंदर गाइस इसी चेयर पार्क के अंदर गाइस आपको एक नया आइकन देखने को मिलता है जो कि कैमरे का आइकन है, ठीक है। तो इस कैमरे का आइकन बेसिकली कहाँ पर काम होगा गाइस मैं आपको बता दूँ, ओनली चेयर पार्क मोड के अंदर ही इस कैमरे का आइकन का यूज है, बाकी कहीं पर भी यूज नहीं है गाइस। आप चाहे क्लासिक खेलो, एरकेड खेलो, कहीं पर भी आपको आइकन नहीं दिखेगा, ओनली चेयर पार्क के अंदर ही दिखेगा गाइस, ठीक है। चलो मैं आपको सिंपली लेके चलता हूँ चेयर पार्क के अंदर और सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है गाइस, क्योंकि एक एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो कहीं पर नहीं मिस मत करना, ठीक है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देखते हैं चेयर पार्क के अंदर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गेम को स्टार्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस अब बात आती है गाइस, जैसे गाइस आप लोग ने अकेले चेयर पार्क को अकेले स्टार्ट किया है गाइस, और अब आपका जो आपको जैसे ही आपने स्टार्ट कर दिया और फिर आपका टीममेट आ गया, आपका स्क्वाड मेंबर आ गया, तो आप लोग उसे जो है इन गेम के अंदर गेम के अंदर से ही जो है उसे इनवाइट करके अपने टीम में ले सकते हो गाइस। जैसे गाइस अब मेरा एक स्क्वाड मेंबर मतलब ऑनलाइन आ गया है और मुझे अपने साथ लेना है उसे, तो गाइस सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूंगा और उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगा और सीधे मेरी टीम में आ जाएगा। देख सकते हो मेरे में अभी एक ही बंदा मतलब शो कर रहा है ओनली मैं, ठीक है। तो कुछ यही है इसका मतलब, आप लोग जो टीममेट को बुला भी सकते हो, साथ इकट्ठा आकर खेल भी सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें गाइस मैं आपको बता दूं एक चेयर पार्क के अंदर ओनली 16 बंदे मतलब आ सकते हैं, जो कि अभी 12 बंदे हैं और 16 बंदे बस आ सकते हैं मतलब एक चेयर पार्क के अंदर, ठीक है। तो अभी चार बंदे अभी कमी हैं, तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हम एक एक मतलब स्टेप की हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में गाइस आप लोग अपने बंदे को ऐड कर सकते हो गाइस। जैसा कि गाइस मैं यहाँ पे अपने एक टीममेट को बुलाता हूँ तो आता है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो ऐड हो जाएगा गाइस आपके साथ, ठीक है। और यही हम सेकंड नंबर वाले ऑप्शन की हम बात करें गाइस, यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में गाइस आपको कुछ मिशन दिए जाएंगे डेली, यहाँ पे आपको गाइस टाइम स्पेंड करना है मतलब कुछ भी मिशन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यही है कुछ बेसिक से ही है। और यहाँ पे कंप्लीट द शूटिंग रेंज द वन टाइम टू गेट, तो गाइस शूटिंग रेंज मतलब ये गाइस आपको यहाँ पे आके टोकन लगा के गाइस आपको ये गेम खेलने है, जैसे सेकंड एनिवर्सरी में था, ठीक है। तो ये जैसे टोकन मिलेगा आपको गन मिल जाएगा, और आपको सिंपल तरीके से क्या करना है यहाँ पे आपको जो बॉल मिली जो अभी उड़ेंगे कबूतर सिंपली तरीके से इनको फोड़ना है गाइस, ठीक है। तो ये पूरा फेस करने के बाद जो है वाला आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे गाइस मेरा स्पेंड वाला मतलब कंप्लीट हो चुका है गाइस, ठीक है। तो इस वाले ये वाले ऑप्शन की बात हो गई गाइस। और गाइस सबसे मेन बात गाइस यहाँ पे ये वाली आती है गाइस, आप इसी चेयर पार्क के अंदर से क्लासिक मैच भी खेल सकते हो गाइस, ठीक है। आप अपने सारे टीममेट सारे स्क्वाड मेंबर को बुला लो, यहीं पे एंजॉय करो और बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली तरीके से यहीं से ही जो है एरिंगल मैप जो से भी आप स्टार्ट करना चाहो, मिरामार, विकेंडी, सेनोक, एरकेट, एरेना, पेलोड, जौन सा भी सोलो स्क्वाड, FPP, जौन सा भी आपको खेलना है आप सिंपली यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे लग जाएगा और सिंपली स्टार्ट के बटन में क्लिक करेंगे, ये मैचिंग होके मतलब स्टार्ट हो जाएगा। यही आप चार बंदे हैं, आपके पूरे टीममेट है, तो आप सिंपली यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा वाला फीचर यही है इसका, ठीक है। और यहाँ पर गाइस हम जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे 12x16 में, तो ये अभी ओनली 16 बंदे यहाँ पे एक चेयर पार्क के अंदर आ सकते हैं, तो हम 12x16 में जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम हर एक बंदे की जो है यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हैं कि कौन बंदा कैसा है, और गाइस सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो और गाइस हम और यहाँ पर आप देखो पैरों के निशान ही बने हैं, ठीक है। तो पैरों के निशान का आइकन मतलब क्या है गाइस, तो गाइस हम जैसे ये पैर कोई बनने के जो साइड में जो पैरों का निशान बना हुआ है, अगर हम पैरों के निशान में हम क्लिक करते हैं तो गाइस जो सीधा जो हमारा बंदा है उसके पास पहुँच जाएगा गाइस। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सॉरी एक बार मैं कॉल करके बता रहा हूँ, जैसे गाइस हमें जाना है अल्फा के पास, ठीक है। अल्फा हम जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस ये रहा अल्फा, देखो ये रहा, मतलब ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और सिंपली इसे माइक ऑन करके आप लोग यहाँ पर ऑफ ऑन कर सकते हो और इनके पास जाकर इनसे बात आत भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब हम जैसे गाइस हम रमेश के पास जाना चाहते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये पहुँच गए हम इनके पास, ये डाला हुआ है, ये लेटा हुआ है, ठीक है। ये कपड़े इसलिए नहीं पहने हैं क्योंकि अभी हमारे रिसोर्स डाले नहीं है, तो उन लोग को
इनको भी बोल नंगे ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो गाइस कुछ यही था, और गाइस यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर स्विच भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा गैस अगर आपको लगाना है तो आप लोग दूसरा भी लगा सकते हो, मतलब आपको इस वाइज लॉबी से बाहर जाना है और दूसरी लॉबी में आना, तो आप लोग यहाँ पर दूसरी वाइज लॉबी में जा सकते हो गाइस, ठीक है। और गाइस अब बात आती है कि हम एक कैमरा का मतलब यूज कहाँ पर कर पाएंगे, कैमरा का यूज कहाँ पर होता है। तो गाइस जैसे गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये मतलब चेयर एयर लगी हुई है, तो आप लोग यहाँ पर चेयर एयर नंबर बता के आइकन में क्लिक करके वो भाई साहब ओपी गाइस यहाँ पर स्टैंड अप, अगर आपको स्टैंड अप करके मतलब आपको कहीं जाना तो स्टैंड अप करके जो है आप लोग यहाँ से निकल सकते हो गाइस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करते हैं कैमरा का आइकन मतलब कहाँ पे यूज होगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर कैमरा का आइकन में क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको व्यू देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर गाइस आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा, आपको आई बटन देखने को मिलेगी, और यहाँ पर इमोट वाला आइकन देखने को मिलेगा, और ओनली कैमरा का आइकन देखने को मिलेगा, ठीक है। कैमरा का आइकन गाइस काफी होती है गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना मतलब पूरा आइकन व्यू देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इस कैमरे का आइकन से गाइस हम अपने जो है एंजॉय यहाँ पर भी एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय करके आप लोग जो है यहाँ पर फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अपने पूरी स्क्वाड मेंबर को लाओ और दूर से एंगल लेके जो है अपनी फोटो भी क्लिक कर सकते हो भाई। तो वैसे कुछ बेसिकली कुछ यही है इस कैमरे का काम। तो और भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको कट करना है आइकन में क्लिक करो और ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी बात गाइस मैसेज में गाइस आप लोग यहाँ पे इमोजी भी सेंड कर सकते हो गाइस, जैसे गाइस आप लोग इमोजी भी देख सकते हैं, तुरंत जो इमोजी मेरा आ गया कि मैंने ये सेंड किया है, और साउंड जो 12 बंदे खेल रहे हैं उनके पास भी ये इमोजी गया होगा कि एपी गेमर ने ये वाली इमोजी भेजी है, ठीक है, चेयर पार्क एपी गेमर, ठीक है भाई जी, जैसे ये वाली इमोजी भेजी है तो उन लोगों के पास भी गया होगा। तो होप गाइस कुछ यही थे इस वीडियो में, तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई थी वीडियो को जरूर लाइक करना। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर कर लेना गाइस। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, लव यू फ्रेंड्स।